मैंने फोन पे ज्वाइन किया है। ओके, तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है पहले चीज को देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ चेक नंबर लिखना चाहता हूँ, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि चेक नंबर 6 डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के हैं तो आपने लिख दिया, लेकिन कुछ ऐसे चेक नंबर में 3 डिजिट होता है, लेकिन उसके आगे में 3 जीरो लगाना होता है या 4 जीरो लगाना होता है। जी सर। टेक एंड केयर ऑफ। तो ये आपका जब एंटर प्रेस करते हैं जीरो गायब हो जाता है। जी सर। गायब हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं, 00000 लिखते हैं और फिर डालते हैं। अब जी कॉलन में मुझे चेक नंबर डालना है, तो क्यों ना हम यहाँ आए और टेक्स्ट में जाके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब मुझे सिंगल कोट नहीं डालने पड़ेंगे। हाँ जी सर। हम यहाँ पर है कि अगर आपने नंबर्स आपको मिला और ये नंबर्स जो है पहले से जो नंबर आपको मिला है वो नंबर वो पहले से इसमें जो है टाइप किया हुआ है, अब इसमें जीरो ऐड करना है। तो जीरो अगर विजुअल में ऐड करना है तो क्या करेंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ राशि इसमें हम जो है 00000 6 times 0, तो जीरो का साइज जो होता है 6 times है, इसलिए हमने 00000 डाल दिया। जी देन तो इसने 6 digit 6 0 को मैच कर दिया। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या है 00633362 है ना सर। जी हाँ जी, हाँ जी। अब्दुल आशीष जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। 820 पे बात हुई थी ना सर फॉर्मूला क्लासेस की। जी जी जी, 740 कस्टम फॉर्मेटिंग क्लास है, ऐसे इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप, बट 820। अच्छा, वो साथ में फॉर्मूला क्लास वो सर में हुआ, वो 820 सर, अभी 30 मिनट बाद होगा सर। चलो ठीक है, मैं 30 मिनट बाद ज्वाइन कर लूं। तो यहाँ पे ठीक है ना जी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए 000362 है जी। अगर आपने इसको सिंगल कोट 1 2 3 3 6 2 लिखा, अब यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, अब देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है। हाँ जी, आपस में बराबर डिग्री है। इसको सिलेक्ट कीजिए एंड इसको इक्वल कीजिए, यहाँ पे कॉल्स आ गया। हाँ जी, हाँ जी सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 00362 है, यहाँ पे जस्ट 362 है, तो इस आपको चाहिए मुझे ओरिजिनल चाहिए। तो कस्टम फॉर्मेटिंग लगाने के अलावा आप जो है कस्टम फॉर्मेटिंग का ही मेथड टेक्स्ट फॉर्मूला में डाल दीजिए। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया, इन्वर्टर कुमा में 00000 तीन बार जीरो कर। अब जो है यहाँ पे कहीं पे किसी ने अगर सिंगल कोट लगा के 00000362 लिख दिया, तो इस दोनों का आपस में आप बराबर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें आगे और बढ़ते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। इसमें मेरे पास मोबाइल नंबर है और इसमें प्लस साइन ऑन लगा के यहाँ पे हम देते हैं प्लस, ठीक है।
यस सर यस क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम सिस्टम में इक्वल के साथ फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम प्लस के साथ फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो प्लस लगाते समझता है यह फॉर्मूला है, इसलिए ये प्लस नहीं करता। बट मुझे प्लस साइन वन शो करना है तो कस्टम में मैं आऊंगा प्लस साइन वन और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम जीरो दे दिया, एंटर। जी जी क्लियर सर? यस सर यस सर। उसी तरह से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आईडी डालना चाहता हूँ, हर 3 डिजिट के बाद हम जाते हैं डैश हो, तो यहाँ पे हम 123-123-123। अब मैं ओके करता हूँ, इस पे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, 3 डिजिट के बाद एक डैश दे देगा। आप देखेंगे कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट, आप क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड होल्ड करते हैं तो उसका स्टेटमेंट आता होगा तो इस तरह से आता है। यस सर। क्या सर? ठीक है। हाँ जी सर। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 8 डिजिट लिखूं फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में जो है एक सेक्स अपने आप लग जाए, तो आप पहले या बीच में या लास्ट में कोई भी करेक्टर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम जीरो दिया, इन्वर्टेड कॉमा में एक्स 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 स्पेस दिया, वापस एक्स 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 एक्स, ठीक है। 1 2 3 4 0 कर दिया। यहाँ पर वी कर दिया नाम को सर, एंड ओके। रिजल्ट आ गया। अब मान लीजिए कि आप यहाँ अकाउंट नंबर लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं अकाउंट नंबर में क्या है कि अगर आपने 9 10 11 डिजिट तक दिखा दिख जाए, जैसे यहाँ पे 12 डिजिट हम लिखेंगे तो यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मेट आपको आ जाएगा। आ गया सर? जी सर जी। आपका साइंटिफिक फॉर्मेट? हाँ जी सर। तो इस कैसे दिखेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक कस्टम में जाके जस्ट एक जीरो डाल दी, जैसे जीरो डालिएगा वो आपका नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान सर, ये नंबर आपका 13 14 15 डिजिट तक ही दिखेगा। ओके। 16 डिजिट आप डालेंगे वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, मैं यहाँ पे 789 डालना तो यहाँ पे आएगा। ओके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो 15 डिजिट तक का ही कैलकुलेशन करता है, 15 डिजिट से ज्यादा की अगर कैलकुलेशन है तो वो क्या करेगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जैसे एटीएम कार्ड हो गए, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, बहुत सारे अकाउंट नंबर है जो कि 19 डिजिट के होते हैं या 20 डिजिट का होता है, तो उस केस में इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे या सिंगल कोड लगा दे और जितना डिजिट उतना लिखना है लिख दे। yes. तो 32,767 करेक्टर या नंबर्स आप इसमें लिख सकते हैं। okay. ठीक है। yes. तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। मेरा एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मतलब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं विंड, ये एक्सेल कौन सी है, 2007? ये 2019 है सर।
19 है, और हम लोग जैसे अभी यूज करते हैं हमारे पास 2013 या फिर 2000 कोई बात नहीं, फीचर्स सारे सेम है, कुछ फीचर्स नए हैं, जो फीचर्स नए होगा मैं बता दूंगा कि फीचर्स आपको लोअर वर्जन में नहीं मिलेगा। ओके ठीक है ना जी जी, क्योंकि जब सीख रहे हैं तो लेटेस्ट सीखिए ना। हाँ नहीं सर वो लेटेस्ट तो है, यूज कर रहे हैं लेकिन हाँ। कुछ साल बाद तो आप यूज करना पड़ेगा ना, दोबारा तो ही सीखेंगे। हाँ नहीं वो ठीक है, मेरी क्वेरी ये थी कि मैं कह रहा था कि हम भी अगर मतलब सेम वर्जन को परचेज करें और उसी पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि हाँ। कंपनीज का तो कुछ कंफर्म नहीं होता ना कि वो हाँ, परचेज तो करेगी। कर सकते हैं इसको आप जी, इसको आपको अगर मंथली करें तो आपका वही 400 कुछ रुपए का मंथली होता है सर। ओके सर, ऑफिस 360 पर जब तक है तो जब आपको नहीं जरूरत है अकाउंट डिलीट कर दीजिए। जी जी सर, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको सर? हाँ सर ये समझ में आ गया है। जीरो का फंडा क्या है या जब वो हैश लिखा हुआ दिखते हैं तो हैश और जीरो का फंडा क्या है एक बार देख लीजिए सर, कि मैंने यहाँ पे 1500 लिखा तो मुझे 100 यहाँ शो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे शो करना है MRP 1500। हो गया सर? तो मैं चाहता हूं कि नंबर के साथ अगर हम टेक्स्ट मेरा विजुअल हो, मतलब कि रहे मेरा 1500 ही लेकिन विजुअल हो एमआरपी। ओके ध्यान रखिएगा कि अब यहां पे आपको कोई भी टेक्स्ट देना है तो एम इन्वर्टेड कॉमा में दीजिए कि मैंने एमआरपी दे दिया जी। इसके आगे या पीछे मैं हैश या जीरो नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा कि सिर्फ एमआरपी शो होगा जी, नंबर शो नहीं हो। नंबर को शो करने में क्या करना पड़ेगा? जीरो पुट करना पड़ेगा। हेलो जी, मे भी जीरो पुट करना पड़ेगा, जीरो या हैश कर सकते हैं इसमें जी। मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया या हैश दे दिया, दोनों में कोई ओके okay. सिंगल सिंगल डिजिट में जीरो या है कुछ भी ओके okay. मैं यहाँ पे दो बार जीरो दे दिया ना सर तो फर्क पड़ेगा। कब फर्क पड़ेगा? जब आपका सिंगल जैसे 5 लिख दिया मैं तो ये जीरो ओके okay. okay, सर तो यहाँ अगर आप दो बार हैश दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके okay. तो आप जीरो दीजिए या जीरो दीजिए या हैश दीजिए ओके okay. उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे जी। लेकिन डबल जीरो देते हैं या ट्रिपल जीरो देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, डबल जीरो किया तो जीरो मेंटेन। तो आप किसी भी नंबर के आगे या पीछे कुछ टैक्स ऐड करना है, समझ में आ गया? हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, यस समझ गया सर। इसी तरह से आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर आसानी से कैलकुलेशन हो सकता है आसानी से। ओके जैसे कि मैं इसमें प्लस 20 कर दिया तो 25 आ गया। ओके अगर अमाउंट लिखता हूँ 1500 या 15,000 तो यहाँ से 1000 का सेपरेटर लगा सकते हैं ना जी। या फिर आप जो है कस्टम में आगे आ जाइए और हैश कॉमा तीन बार हैश डाल दें, जीरो कॉमा डाल दें। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ हैश कॉमा कर देते हैं
तो आपका अमाउंट इन थाउजेंड में कन्वर्ट हो जाता है जी। आगे 15, अब इस 15 में यहां पे कर देते हैं हम के, तो 15 के दिखेगा, समझे? हाँ जी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कन्वर्ट इसको लगा के। और सर इसमें हम जो भी मतलब जैसे चेंजेज कर, हाँ हाँ, जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे ना, जैसे मैं आप यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 30,000 कर दिया, 3K हो जाए। देखिए ये जो कस्टम फॉर्मेटिंग हमने लगाया है ना सर, ये आपके 10 विजुअल को चेंज करता है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता जी। आपकी विजुअल को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। ओके समझ गया जी जी। तो कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब समझे, आप सो कुछ और करना चाहते हैं और टाइप कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है जी जी। आप सो कुछ और करना चाहते हैं और टाइप कुछ और करना चाहते हैं, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है जब हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं उस डैशबोर्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी सर, समझ गए? हाँ जी सर, यस सर। लेकिन इसमें आगे और कंटिन्यू आगे और डिटेल में आपको पढ़ना है तो एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा सर जी, ठीक है? हाँ जी सर। वो आर्टिकल मैं अभी आपको जस्ट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ओके सर। तो उस आर्टिकल को आप एक बार पढ़ें, उसके बाद इसको अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी जी। तो इसमें जो एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग है, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग, वो हम आपको बताएंगे कल की क्लास में। तो आपके साथ वो भी होंगे ना, आपके जो कली है जी, वो भी रहेंगे, तो बेटर रहेगा। और तब तक जो है आप इस आर्टिकल